मोदी सरकार द्वारा कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने के ऐतिहासिक निर्णय और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर एक शाम राष्ट्र के नाम का कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला मॉडल टाउन पार्ट 2 में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे बीजेपी सांसद श्री मनोज तिवारी व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश बीजेपी मीडिया के हेड अशोक गोयल भी मौजूद रहे। वहीं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जी, मॉडल टाउन में जैसा उत्साह है वैसा ही उत्साह श्रीनगर में भी है, वैसा ही उत्साह जम्मू में भी है, वैसा ही उत्साह लेह लद्दाख में भी है। मैं समझता हूँ देश को ये विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जो कहेगी वो करेगी, और हमने वो जो जो हमने अभी तक कहे हैं उतना तो हमें करना ही करना है, उससे भी हमें बहुत आगे जाना है। जो हम नहीं कहे हैं जो देश के लिए आवश्यक है उसको भी हम करने के लिए बहुत पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से बिना किसी को तकलीफ दिए हम आगे चलने को तैयार हैं। देखिए, ये देश के तमाम उन देशभक्तों की जो विचार मन की आस थी वो पूरी हो रही है, और जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी जो मुट्ठी भर कुछ लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो जानबूझ के आतंकवाद को पनपा रहे थे, उनको चोट लगी है, और लगभग हम समझते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में एक खुशी की ऐसी लहर है जिसका मैं समझता हूँ आप भी अगर किसी कैमरे को भेजे होंगे या किसी साथी कैमरे से फ़ोटो लिए होंगे तो फोटो ही बोल रही है, बीजेपी को बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सब्सक्राइब करें।